आप समझो जिस टाइम पे लोग अपने नाते पोती खिलाते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग अपने बच्चे को बड़े कर रहे होंगे। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज भैया सुबह सुबह सबके सब ना, ये कोको ने आज सुबह इतना परेशान किया है, हाँ भौंक भौंक के सबको उठाया इसने, इसको लग गई थी सुसु और सबको उसने उठाया पैर। आज संडे है और आज हम लोग आजकल वीकेंड वीकेंड पे ही ब्लॉग बन रहे हैं, बिकॉज वीकडेज में टाइम नहीं मिल पाता यार, ऑफिस का टाइम रहता है सुबह से शाम तक, काम 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 ये सब। अभी खेल हो रहा है, खेल हो रहा है, खेल हो रहा है, सब खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? छाती पकड़ के छाती पकड़ के भाग रहा है। तो मियो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, थोड़ा थोड़ा बोलता है तो बट अच्छा लगता है, बोलता है ना तो कुछ भी तो अच्छा लगता है। जैसे को कैसे बोलते कहते भगो, क्या हुआ को को। अभी हम बना रहे हैं पैनकेक, इसमें दूध शुगर और अंडा ये डाला है और मिक्स कर रहे हैं इसको अभी खूब, थोड़ा पैटेंगे अच्छे से और फिर इसके अंदर ब्रेड को भिगोएंगे और फिर बैठ जाएगा तवे पे। बहुत टेस्टी बनता है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, जिसको मन करे। अब मुझे थोड़ा सा मीठा थोड़ा खाने का मन करा तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। बढ़िया हो चुकी है और शाम को अब थोड़ा पेट पूजा होनी जरूरी है तो हम लोग आज यही बना रहे हैं। और बच्चे के लिए अलग बन रहा है, बच्चे के लिए आज बन रहा है हलवा जो नेहा बनाएगी और हमारे लिए कॉफ़ी बन रही है, सो पैनकेक और कॉफ़ी। और ये मेरे पास थोड़ा सा वनीला एसेंस ऑलरेडी है रखा हुआ तो मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दूंगा, अच्छा टेस्ट आ जाता है एक तरीके से। डाल दिया है, अब इसको इसमें डुबोएंगे अच्छे से, बढ़िया से एकदम, जब ये थोड़ा सोक कर लेगा मिल्क, ठीक है, और ये सोक कर चुका है, अब इसको हम लोग सेकेंगे तवे पे हम इसको सेकेंगे और थोड़ा इसको ढक देंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, अब ये पकेगा। तो थोड़ा सा फ्राई कर दिया है हल्का, मतलब थोड़ा सा सेक दिया है और दूसरी तरफ हम सेक रहे हैं, इसको थोड़ा क्रिस्पी करेंगे, थोड़ा सा मैं अभी तेज़ आंच कर रहा हूँ, हल्का सा क्रिस्पी। तो नया ने कॉफ़ी बनाई है, अब कॉफ़ी ट्राई कर देंगे। नेहा यार क्या कॉफ़ी बनाई है, अरे मतलब एकदम मज़ा आ गया, वो कितना अच्छा आसमान है। चेस सच में यार बढ़िया, बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनी है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है। सो अब हम ट्राई करते हैं अपना सो कॉल्ड पैनकेक, इट्स नॉट रियली पैनकेक बट हाँ यू कैन से कहाँ लेके जा रही थी वो गिरा दिया अभी, ले ले उठा लो, उठा लो बेटा, उठा लो, ले जाओ ले, गो गो जाओ लेके, जाओ लेके जाओ, लेके जाओ, हाँ गुड गर्ल जाओ। और ये बारिश स्टार्ट हो गई है, बस बैठे हुए थे ऐसे ही बालकनी में तो हम लोग, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी जैसे एज मेरी होगी 36, ठीक है, और मेरा बच्चा अभी 2 साल का होने वाला है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से जब मैं 50 साल का होऊंगा, 50 ईयर्स, सो मेरा बच्चा उस टाइम पे करीब करीब 17 साल का होगा, ठीक है, करेक्ट है ना, 17 साल। मैं अगर 50 साल का होऊंगा तो मेरा बच्चा 16 साल का होगा, 16 साल का मेरा बच्चा होगा। आप समझो जिस टाइम पे लोग अपने नाते पोते खिलाते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग अपने बच्चे को बड़े कर रहे हो। सो एक सोचने वाली चीज़ है बहुत, मतलब आज के ज़माने में ना ये बहुत थिंकिंग वाली चीज़ है कि लोग लेट शादी कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी काफ़ी लेट शादी करी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी थी, करनी थी, खुद से करनी थी, ये थोड़ा सा कर सकते थे बिकॉज अब आपको, आप देखो दुनिया में ना एक ही चीज़ है जो आप रोक नहीं सकते, टाइम,
टाइम चलता रहता है, अपने हिसाब से चलता रहता है, और आप लोग अपने हिसाब से जितना भी कैलकुलेशन कर लो सब धरी की धरी रह जाती है, आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अब सारा जूस निकल गया इसमें। नया ट्राई करते हैं, कुछ आइसक्रीम का कुछ खिलावा है। सुबह ही समा गया घर, और ये हमारी कोकड़ी अब थोड़ा सा पारी पारी करेगी, और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। टिल देन प्लीज थैंक यू सो मच, बाय बाय।